आर साडी मीटिंग आज की जो मीटिंग है दिस वाज रिगार्डिंग आवर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड वेरियस थिंग्स दैट कनेक्टेड विद आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड वेरी सक्सेसफुल एंड वी आर ऑल गियरिंग अप फॉर द 1919 इलेक्शंस सर सबसे बड़ा सवाल है राणा गुरजीत को लेके क्या फैसला आपने किया क्या उनका इस्तीफा वो तो उनकी रेजिग्नेशन हैज बीन एक्सेप्टेड राहुल जी ने एक्सेप्ट कर लिया हाँ जी बिल्कुल सर उस पर चर्चा हुई कैबिनेट का विस्तार सर कैबिनेट पर भी चर्चा हुई किस पे जो मंत्री मंत्रिमंडल वही तो एक इन्होंने पूछ तो लिया मैंने कहा कि दिया कि इट हैज बीन एक्सेप्टेड हिज रेजिग्नेशन सर मंत्रिमंडल दे विस्तार किया जा रहा है उसको लेके कोई चर्चा हुई है ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਊ ਇਨ ਡਿਊ ਕੋਰਸ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂਡੇ ਓਨਲੀ ਡਿਸਕਸਡ ਔਨ ਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰਕਚਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਆਫਟਰ ਵੀਵ ਗੋਟ ਅ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿੰਗ ਅਪ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਰੇਂਗੇ 2019 ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਕੀ ਮੇਜਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਆਪਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀ ਆਪ ਆਪਕੋ ਬਤਾਨੇ ਲਗਾ ਹਾਂ ਹਮਾਰੀ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਕਾਫੀ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੋ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕੁਛ उसके ऊपर डिस्कशन हो सो किस तरह और इंप्रूव करेंगे नो दिस इज देयर वी हैव गॉट टू सी नाउ वी हैव गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट द प्रेसिडेंट हैज टू सी व्हाट टीम ही वांट्स ये सब ये बातें हुई हैं कैप्टन साहब एक लुधियाना तो बाद जेड़ा कैबिनेट का विस्तार होएगा कुछ पोर्टफोलियो भी बदले जाएंगे या ये है या कुछ नहीं जरूरी हाल तक सोचा भी नहीं है सर वी हैवंट इवन टॉक्ड अबाउट इट हाले तो असी दूजिया गल्ला जो साडे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज जाखड़ साहब ऑर्गेनाइजेशन हाउ टू स्ट्रेंथन इट एंड ऑल वो गल्ला हुई है सर सर राणा गुरजी सर हां जी डोकलाम पर भी कुछ खबरें आ रही हैं कि वहां पे चाइनीज जो है उन्होंने काफी कुछ एरिया को कैप्चर कर लिया किस तरह देखते हैं सैटेलाइट इमेजेस देखिए आई हैव नॉट सीन अदर देन सीइंग इन द पेपर्स टुडे अबाउट द आर्मी चीफ का जो बयान था नथिंग मोर देन दैट ही हैज नॉट साउंडेड अलार्मिस्ट ही हैज सेड दैट द क्वांटम ऑफ सोल्जरिंग इज मच लेस देन अर्लियर ऑन सो देयर नथिंग पाकिस्तान की तरफ से लगातार क्योंकि पंजाब भी बॉर्डर स्टेट है पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से लगातार सीज फायर का वायलेशन हो रहा है बीएसएफ के एक और जवान मारा गया है किस तरह से देख रहे हैं आप मोदी सरकार की पॉलिसी को मेरी बड़ी क्लियर है मेरे माइंड में जो हमारे जवान मर रहे हैं मेरी पलटन के अभी एक मेजर और तीन जवान पिछले 10 दिन पहले दे वर किल्ड इन दिस एक्शन इन 25 सेक्टर मैं तो चाहता हूं अगर एक हमारा जवान मरे 10 उनके मरे एंड दैट इज द वे आई लुक एट लाइफ I am an ex-soldier and I will not allow to my soldiers to be sacrificed like this. Captain sir, Rana Gurjeet ne istifa manzoor ho gaya hai. Virodhiyon nu mauka mil jayega ki jehdi zero tolerance di gal karde sige hun clean chit jehdi commission ne ditti sige us da vi keda clean chit? Clean chit jehdi hai Narang keno? Narang ne Rana Gurjeet nu you are talking about two different aspects. Rana Gurjeet ka jehda Narang commission si it was on a different issue. It was on koi कह रहा था कि कुक का नाम आ गया किसी का नाम आ गया इट वाज सेपरेट इशू दिस इज अ सेपरेट इशू कैप्टन साहब किसानों के जो कर्जे माफ करते हैं कुछ क्लैरिटी नजर नहीं आ रही की क्लैरिटी चाहते हो सर ना पटवारियों ने पता ना डीसी ने पता इस बारे कुछ सारे नु पता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है पटवारी सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधीन आते हैं उन्होंने सब कुछ दे आर फुली अवेयर अबाउट दिस प्रॉब्लम सू आ रही है इज डिफरेंट अगर किसी ने हुण मेरे कोल 30 एकर जमीन है मैं 2 एकर दे दा अपने बेटे नू डजंट मीन दैट वी शुड दैट 2 एकर बॉय शुड गेट द मनी सो ये थोड़ी क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी जरा करने वाली है वो हम कर रहे हैं नवंबर तक हम 5 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दे रहे हैं और नवंबर तक के पूरे हो जाएंगे ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਈਏ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਐਟ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ and it is for the party at the national level to decide on this captain sir prime minister israel ke pradhan mantri aaye hain aur jis tarah se jitni bhi foreign dignitaries aur rashtradhyaksh aate hain wo gujarat jate hain aur wahan prime minister road show karte hain usko kis tarah are bhai main to cha raha hu main israel jana cha raha hu i hope they will allow me to go thank you wo unke jo hamare we are incidentally we have an israeli project in punjab for growing vegetables दो प्रोजेक्ट्स हैं एक होशियारपुर में एक कोटकपुरे में एंड वी वांट टू गो एंड सी
that work, how they are working in Israel, ताकि उसको expand करें और more vegetables वगैरह पंजाब में। Prime Minister को उनको पंजाब भी लेके आना चाहिए था, हर बारी गुजरात लेके जाते हैं सबको। अब उनको ये नहीं मैं कह सकता, पर मुझे बुला लें, मैं चला जाऊंगा वहाँ।